तो चलिए मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से घर, गौशाला में गाय को पानी पिलाना है वहाँ पे। तो साथियों आज बकरी खो गई है। नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी साथियों का मानस नेगी पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आया हूँ अभी जंगल में इन दो बकरियों के साथ, और गौशाला में मैंने गाय बांध रखी है और उसे घास दे रखा है। तो ये इन बकरियों को मैं यहाँ पे छोड़ के चले जाता हूँ और मैं जा रहा हूँ गाय को घास और पानी पिलाने। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पे मैं इन्हें अकेला छोड़ रहा हूँ अभी जंगल में। दो ही हैं मेरे पास, क्योंकि दो इनके बच्चे हैं घर में और एक इनके साथ और था तो उसकी बिक्री हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं, मैं जा रहा हूँ गाय को पानी पिलाने घर और इन्हें अकेले छोड़ देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से घर, गौशाला में गाय को पानी पिलाना है वहाँ पे, क्योंकि जिस समय मैं बकरियों को खोलने आया था उस समय मैंने गाय को पानी नहीं पिलाया और उस समय थोड़ा धूप भी ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए मैंने उसे पानी नहीं पिलाया था वहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी पिलाने घर। तो चलिए चलते हैं गौशाला की तरफ और वहाँ पे गाय को पानी पिला के आएंगे। बकरियाँ भी जंगल में अकेली छोड़ दी हैं। क्योंकि गाय को भी पानी प्यास लग गई होगी। और हम पहुंच चुके हैं गौशाला में। तो ये देखिए गाय भी इंतज़ार कर रही है। तो ये गाय को प्यास लग गई है तो चलिए पानी पिलाने चलते हैं। पानी पिएगा? तेरे को भी लगी है प्यास, तू यहीं रहेगा, तेरे को दे रखा है, चल पानी पी के आएगा, चल। देखिए कितने तेज भाग रहा पानी पीने के लिए। इसको बहुत ही तगड़ी प्यास लगी थी और पी ले। चले चल फिर चल। इस साइड को कहीं भी दूर दूर तक दोनों बकरियां नहीं दिखाई दे रही हैं। ये देखिए मैंने इस साइड का ये पूरा जंगल छान मार लिया है, कहीं भी बकरियां नहीं मिल पा रही हैं। और चलते हैं आगे। आज गाय को पानी देने के चक्कर में बकरियां ही खो गई हैं मेरी। तो गौशाला जाते समय मैं यहां पे छोड़ गया था बकरियां, तो अभी यहां पे तो है नहीं। चलो देखते हैं आगे होंगी, चलते हैं आगे को देखते हैं। और आगे भी इस साइड कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं, शायद गुम हो गई, खो गई हैं। यहाँ पे रास्ते में एक चीड़ का फल, जिसे हम पहाड़ी भाषा में छोटा कह रखते हैं, वो भी गिर रखा है। तो गौशाला जाते समय मैं यहाँ पे छोड़ गया था बकरियाँ, तो अभी यहाँ पे तो है नहीं। चलो देखते हैं आगे होंगी, चलते हैं आगे को देखते हैं। और आगे भी इस साइड कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं, शायद गुम हो गई, खो गई हैं। तो साथियों दो ही बकरियां थी मेरे पास, कहाँ ढूंढूं, कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं। गाय ने तो आराम से पानी पी के अपना घास भूस खाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इधर यहाँ बकरियाँ खो गई हैं। तो देखिए कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं दूर दूर तक। तो चलिए ढूंढते हैं आगे, क्या पता मिल जाए। तो साथियों आज बकरी खो गई है, दो ही बकरी थी मेरे पास, वो भी जंगल में गुम हो गई है। और ढूंढने जा रहा हूँ मैं अभी, कहाँ गए, किधर गई होगी। तो कहीं तक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं। तो साथियों मैं गया था बकरियों को छोड़ के गाय को पानी पिलाने गौशाला में, तो बकरियां मैं यहीं पे छोड़ गया था, लेकिन अभी यहां पे
कहीं दूर दूर तक बकरियां नज़र नहीं आ रही हैं, तो आगे ढूंढता हूँ। आज बकरियां खो गई हैं, तो अब कुछ घंटियां बज रही हैं और फाइनली ये देखिए मिल चुकी है बकरी। ले 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 आ आ। तो ये लगभग लगभग जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जा चुकी हैं। तो एक ये रहा और दूसरा यहाँ पे है। तो फाइनली बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद बकरी मिल गई हैं। तो बने रहेगा, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।